और आज इंडियन एयरफोर्स डे है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वायु वीरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो ट्वीट करके कहा है कि मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज 88वां वायुसेना दिवस है। इंडियन एयरबेस पर पूरी तैयारी की गई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वायु वीरों को ये ट्वीट करके कहा है, मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस प्रेरणादायक। वायुसेना दिवस परेड के दौरान जैगुआर के साथ मिलकर विजय फॉर्मेशन में उड़ान भी भरेगा। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर की भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडियन एयरवेज से। आपको बता दें कि शानदार ये तस्वीरें। मनजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनजीत, आज गजब की तस्वीर इंडियन एयरबेस से हमें देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है जैगुआर के साथ यहां पर मिलकर विजय फॉर्मेशन भी होगा और इसके साथ रफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस लड़ाकू विमान के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन भी यहां पर होगा। और क्या क्या वहां पर हो रहा है बताएं। श्वेता, अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे से परेड की शुरुआत होगी, जब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद 10 बजे के आसपास जो फ्लाई पास्ट है, जो कि वायुसेना दिवस का एक तरह से मुख्य आकर्षण होता है, वो होगा। और खास बात इस बात, भले ही कोविड की परेशानियां हो, लेकिन उसके बावजूद वायुसेना अपनी जो पूरी मारक क्षमता है, पूरी ताकत है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है। खासतौर से इस वक्त जिस तरह का चीन के साथ तनाव चल रहा है, उस बीच में यहां पर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना पूरी ताकत दिखाएगी। और खास तौर से हाल में जो 5 रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं, उसमें से एक रफाल लड़ाकू विमान यहां पर बाकी विमानों के साथ फ्लाई पास करता हुआ, उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही यहां पर जो डिस्प्ले में लड़ाकू विमान रखे गए हैं, वहां पर भी रफाल को रखा गया है। और इस बार श्वेता, जो लड़ाकू विमानों की फ्लाई पास में संख्या है, उसको भी बढ़ाया गया है। छत्री माता की जय। देश और दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आ रही है आप देख सकते हैं परेड करते हुए, इस बारे में मंजीत हमें बताएं, क्योंकि जो हमारे वायु वीर हैं आज वो कर्तव्य तो दिखाएंगे और फ्लाई पास, जैसा कि आपने भी कहा, उसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो वहां पर हो रहा है इसके बारे में बताएं। देखिए श्वेता, इस वक्त ये जो पैरा जंपर हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आसमान से काफ़ी ऊंचाई के साथ पैरा जंप किया था यहाँ पर, वो टोली इस वक्त पैरा जंपर्स की मौजूद है। और ये खास तौर से तीनों सेनाओं के लिए, वायुसेना का जो आगरा में पैरा ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर इनकी तैयारी होती है। और 6000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई से इन्होंने इस वक्त यहाँ हिंडन एयरबेस पर जब पैरा जंप किया है। और ये एक तरह से न सिर्फ वायुसेना बल्कि तीनों सेनाओं में जो पैरा जंपर होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर परेड की शुरुआत होगी, जब वायुसैनिक जो है वो परेड का हिस्सा लेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के अलावा
may we now draw your attention to the backdrop at the far end of the parade ground. Over the years, the Indian Air Force has evolved into a truly strategic force with full-spectrum war-fighting capability. The backdrop this year is a depiction of this multifaceted capability. In the center of the backdrop, you can see the theme for today's Air Force Day: Innovate, Integrate and Intimidate. To the left, we have the ground surveillance for target acquisition depicted by the Akash missile system, airborne surveillance by our Eye in the Sky airborne early warning and control system, and space surveillance by our satellite. The heavy lift transport aircraft C-17 Globemaster and the Chinook depicting the Indian Air Force's capability. तो मंजीत हमारे साथ बने रहेंगे और सीधे आपको हम फिर लिए चलेंगे हिंडन एयर बेस और वहां का पूरा शो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।